वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटा घर के पास सुजानगढ़। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं ऐसे सुधा, मैं हूँ शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुजानगढ़ में कुनीत कार्य जाखड़ परिवार के द्वारा करवाया जा रहा है। श्री भगवान सिंह जी जाखड़, उनके पुत्र विजय जी और अरविंद जी के द्वारा बाबा अखंडानाथ जी की बगीची में शिवालय का निर्माण करवाए गए हैं। 2 तारीख से पांचवा समारोह चल रहा है और आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी, राधा कृष्ण और हनुमान जी महाराज की मूर्तियों की स्थापना हो रही है। निश्चित रूप से बहुत ही भव्य अनुपम कार्य है, क्योंकि हमारे पुराण में कहा गया है कि जो मंदिर का निर्माण करवाते हैं वो भगवान तुल्य होते हैं। बाकी अखंडानाथ जी की बगीची है, संतों की तपोस्थली है और वहाँ पर इतना भव्य सुंदर मंदिर का निर्माण निश्चित रूप से बहुत ही पुनीत कार्य कहा जा सकता है। आइए इस भव्य और दिव्य प्रांक्षा समारोह का अवलोकन करते हैं। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का आज महाशिवरात्रि के दिन प्रांक्षा समारोह हो रहा है। भगवान राधा कृष्ण जी की यहाँ पर प्रतिष्ठा हो रही है। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर द्वारा गाड़ा का दृश्य आप देख रहे हैं। जयकारों के साथ प्रतिष्ठा हो रही है आज महाशिवरात्रि के दिन द्वारा गाड़ा में। श्री भगवान राम जी जाखड़, उनके पुत्र विजय जी, दोनों पुत्र आप देख रहे हैं उपस्थित हैं और भगवान नर्मदेश्वर महादेव की पांच प्रतिष्ठा हो रही है आज। लुआरा गाड़ा का दृश्य आप देख रहे हैं। बाबा अखंडानाथ जी की बगीची में स्थापित हो रहे हैं भगवान। ये देखिए भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है आज महाशिवरात्रि, भगवान शिव पार्वती के विवाह का दिन, और इससे अच्छा दिन और नहीं हो सकता है। देखिए श्रृंगार हो रहा है भगवान का। दोनों भाई आप देख रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ हर कार्य कर रहे हैं। बहुत ही भाग्यशाली हैं आदरणीय भगवान राम जी जाखड़, जिनके पुत्रों के द्वारा यह पुनीत कार्य हो रहा है और माता पिता के लिए इससे बड़े गौरव की बात और कोई नहीं हो सकती है। कलश स्थापित हो रहा है भगवान का। ये देखिए भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है। सर्प देवता देखिए, सारे परिजन बहुत श्रद्धा के साथ सभी कार्य संपादित कर रहे हैं। लुआरा गाड़ा स्थित बाबा अखंडानाथ जी की बगीची का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना आज प्रतिष्ठा हो रही है महाशिवरात्रि के दिन। दोनों भाई बहुत ही श्रद्धा के साथ सभी कार्य कर रहे हैं। देखिए जयकारों से गूंज रहा है शिवालय। सुजानगढ़ का प्रसिद्ध संतों का ये स्थान है, तपोस्थली है बाबा अखंडानाथ जी की बगीची, जहाँ पर जाखड़ परिवार के द्वारा ये शिवालय की स्थापना की गई है। देखिए सभी श्रृंगार कर रहे हैं। कमल जी उनके पुत्र भी आप देख रहे हैं। सभी भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। नमो धृष्टवे, पूरा जाखड़ परिवार आप देख रहे हैं श्रद्धा के साथ। ये देखिए रुद्राक्ष चढ़ाए जा रहे हैं भगवान पर। आज महाशिवरात्रि है, भगवान शिव का सबसे बड़ा पर्व है और आप देख रहे हैं सभी भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं इस समय। विजय जी, अरविंद जी, कमल जी, ओम नमः शिवाय हो रहा है पूरे मंदिर में। Oh, my God.
पूरा परिवार देखिए कितना प्रसन्न है, कितना पुनीत कार्य किया है जाखड़ परिवार ने। विजय जी की माँ और पिताजी आप देख रहे हैं कितने प्रसन्न है। माता पिता के लिए ऐसे बड़े गौरव की बात क्या होती है, पुत्र इतना अच्छा कार्य करे और वो भी अमेरिका में कमाकर अपने मातृभूमि पर लगाए। भगवान के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय का कीर्तन हो रहा है। महाशिवरात्रि का दिन है। ये देखिए भगवान का प्रसाद, भगवान के वस्त्र सभी। भगवान को प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। भगवान के वस्त्र, भगवान का प्रसाद सभी चढ़ाया जा रहा है। बाबा खंडानाथ जी की बगीची का दृश्य आप देख रहे हैं। श्री भगवान राम जी, विजय कुमार जी जाखड़ परिवार के द्वारा शिवालय का निर्माण करवाया गया है खंडानाथ जी की बगीची में। उसकी पांच सात महाशिवरात्रि के दिन हो रही है और भगवान को वस्त्र और प्रसाद अर्पित किया जा रहा है। गणेश जी महाराज की, पार्वती जी की, कार्तिक जी की पूजा हो रही है। पूजन किया जा रहा है शिव परिवार का यहाँ पर। बड़ा दिव्य अवसर है परिवार के लिए। आज शिव परिवार की स्थापना हुई है यहाँ। बहुत ही सुंदर नर्मदेश्वर महादेव के हम दर्शन आज महाशिवरात्रि के दिन कर रहे हैं। जाखड़ परिवार द्वारा निर्मित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का आज प्रांतस्था समारोह हो रहा। हनुमान जी महाराज के मंदिर की स्थापना यहाँ पर अब। हनुमान जी मंदिर का ये दृश्य आप देख रहे हैं। राधा कृष्ण हनुमान जी महाराज शिव परिवार की मूर्तियों की स्थापना आज महाशिवरात्रि के दिन हो रही है। बड़ा प्रसन्न है जाखड़ परिवार आज, और क्यों न हो, इतना पुनीत कार्य आज महाशिवरात्रि के दिन परिवार के द्वारा किया जा रहा है। राधा कृष्ण भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ा सुंदर अवसर है आज महाशिवरात्रि का दिवस है और श्री भगवान राम जी, विजय कुमार जी जाखड़ परिवार ने बहुत पुनीत कार्य किया है। बाबा खंडानाथ जी की बगीची में शिवालय का निर्माण आपके द्वारा करवाए गए हैं। राधा कृष्ण भगवान, हनुमान जी महाराज के मंदिर भी स्थापित हुए हैं। देखिए भारी भीड़ मंदिर में आप देख रहे हैं आज महाशिवरात्रि के दिन। आज सनातन धर्म का पवित्र दिवस है, महाशिवरात्रि पर्व है, भगवान शिव पार्वती के विवाह का दिवस। और आज मैं आपको बता दूं, भगवान राम जी, विजय कुमार जी जाखड़ परिवार के द्वारा यहाँ पर बाबा खंडानाथ जी की बगीचे में शिवालय की स्थापना की गई है और शिव परिवार की मूर्तियों की, राधा कृष्ण और हनुमान जी महाराज के मूर्तियों की स्थापना हो रही है। बड़ा दिव्य और अनुपम अवसर है शिवरात्रि के दिन, इतना पुनीत कार्य जाखड़ परिवार के द्वारा किया गया है और पूरे सुजानगढ़ में इसकी सराहना हो रही है और यज्ञ पूर्णावति हो रही है। यज्ञ की पूर्णावती हो रही है।
श्री भगवान राम जी जाखड़ से पत्नी विजय कुमार जी, अरविंद जी सभी आप देख रहे हैं। कमल जी जाखड़ परिवार भाग्यशाली आज महाशिवरात्रि के दिवस पर भगवान शिव परिवार की मूर्तियों की, राधा कृष्ण और हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना हो रही है। और सनातन धर्म में इससे बड़ा कोई दिवस नहीं होता है, भगवान शिव पार्वती के विवाह का दिवस आज और यज्ञ पूर्णावती हो रही है। यज्ञ पूर्णावती हो रही है। यज्ञ पूर्णावती हो रही है। यज्ञ पूर्णावति हुई है। बहुत ही भाग्यशाली हैं भगवान राम जी, विजय कुमार जी जाखड़ परिवार। महाशिवरात्रि के दिन आज शिवालय की स्थापना की गई आपके द्वारा। बाबा अखंडानाथ सेवा समिति के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है जाखड़ परिवार का। ये अभिनंदन पत्र आप देख रहे हैं, श्री भगवान सिंह जी, श्रीमती आराध्या देवी जी जाखड़ और उनके पुत्रों का सम्मान आज यहाँ पर किया जा रहा है। बाबा अखंडानाथ सेवा समिति के द्वारा सम्मान किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। खड़क सिंह जी बाठिया और सभी भगवान सिंह जी और नरपति का सम्मान कर रहे हैं। बाबा अखंडानाथ सेवा समिति के द्वारा जाखड़ परिवार का सम्मान किया जा रहा है। अभिनंदन पत्र भेंट करके, पुष्प गुच्छ भेंट करके बहुत ही भव्य कार्य किया है जाखड़ परिवार के द्वारा और उसी का यह सम्मान हो रहा है। बाबा अखंडानाथ सेवा समिति बड़ा भव्य गिंदर कार्यक्रम भी करती है। देखिए कितना उत्साह है सभी में। मित्रों में समय आपको सुजानगढ़ के लुआरा गाड़ा का दृश्य दिखा रहा हूँ। पूरे राजस्थान में लुआरा गाड़ा की गिंदर प्रसिद्ध है और उस गिंदर का आयोजन किया जाता है बाबा अखंडानाथ सेवा समिति के द्वारा। बाबा अखंडानाथ जी की बगीची में भगवान राम जी, विजय कुमार जी जाखड़ परिवार के द्वारा, उनके पुत्र अरविंद जी के द्वारा बहुत ही सुंदर शिवालय का निर्माण करवाया गया है। और कहते हैं कि जो मंदिर का निर्माण करवाते हैं वो भगवान के तुल्य हो जाते हैं। आप देख रहे हैं बाबा अखंडानाथ सेवा समिति जो गिंदड़ का भव्य आयोजन करवाते हैं राजस्थान का प्रसिद्ध, उनके द्वारा अभिनंदन पत्र भेंट करके
श्री भगवान राम जी, उनकी धर्मपत्नी जी, उनके पुत्रों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत भव्य कार्य आपने किया है, क्योंकि ये राजस्थान की प्रसिद्ध बगीचे है, जहाँ पर आज महाशिवरात्रि के दिन आपने बहुत ही भव्य और सुंदर शिवालय का निर्माण करवाया है। ये देखिए बाबा अखंडानाथ सेवा समिति के द्वारा श्री भगवान सिंह जी, श्रीमती तारा देवी जी, विजय कुमार जी, अरविंद जी की सभी का सम्मान किया जा रहा है। पूरा परिवार बहुत ही भाग्यशाली है जिन्होंने आज महाशिवरात्रि के दिन ये कार्य किया। अमेरिका रहते हैं दोनों पुत्र और विदेश में कमाकर भारत में अपने जन्म स्थान सुजानगढ़ में इतना भव्य शिवालय का निर्माण करवाया। हम भी एशियन की तरफ से अभिनंदन करते हैं आपका। विजय कुमार जी को आप देख रहे हैं, अरविंद जी, विजय जी, बहुत ही भाग्यशाली है आज शिवरात्रि के दिन आपने ऐसा पुनीत कार्य बाबा अखंडानाथ जी की बगीची में किया है। ये देखिए सभी को गुलाब के पुष्प भेंट किए जा रहे हैं, सम्मान किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। खड़क सिंह जी, बांटिया, दिनेश जी, कमल जी, सभी आप देख, गजानन जी, पांची राम जी, सभी सम्मान कर रहे हैं गजानन जी। हमारे अखंडानाथ सेवा समिति के सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी एक साथ, अध्यक्ष साहब, पांची राम जी और सभी लोग, हम एक साथ इनके घर पे गए और इनको हमने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पे मंदिर बनाना शंकर भगवान का, तो इन्होंने सह सम्मान स्वीकार किया और भव्य मंदिर बनाया। और मैं ये इनसे आशा करता हूँ, इस परिवार से हमेशा, ये हमारे अखंडानाथ सेवा समिति से सबसे पहले किन्नर और सबसे पहली रसीद इन्होंने कटवाई थी और इनका ही बहुत सहयोग रहा और हमेशा इनका हमेशा हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति, अखंडानाथ सेवा समिति के प्रति और इस मंदिर के प्रति हमेशा इनका झुकाव बना रहे। और हमारे अध्यक्ष साहब और सभी का इनका इन्होंने इतना सम्मान किया और ये इतना बढ़िया मंदिर, भव्य मंदिर बनाया और स्वागत नहीं, सह सम्मान स्वागत है, इनको चरणों में हम प्रणाम करते हैं हमेशा। बोलिए नर्मदे से महादेव। और अब भगवान नर्मदेश्वर महादेव की आरती हो रही है। महाशिवरात्रि के द्वारा आज भव्य शिवालय का निर्माण जाखड़ परिवार के द्वारा करवाया गया है। भगवान जी और उनके पुत्र विजय जी, अरविंद जी अब आरती करेंगे भगवान की। जितना सुंदर परिवार है उतनी सुंदर भावनाएं आपकी।
महाशिवरात्रि के दिन देखिए पांचता के बाद दर्शन के लिए भी उमड़ी है। प्रथम अभिषेक हो रहा है, महाशिवरात्रि का दिन है। भगवान सिंह जी से प्रतीक प्रथम अभिषेक हो रहा है स्थापना के बाद। आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान सिंह जी विजय जी जाखड़ परिवार के द्वारा बाबा खंडानाथ जी की बगीची में शिवालय का निर्माण करवाया गया, जिसकी पांचता हुई है। परिवार के द्वारा प्रथम अभिषेक किया जा रहा है। देखिए मंदिर छोटा पड़ रहा है, आज महाशिवरात्रि का दिन है। अब जलाभिषेक किया जा रहा है। जलाभिषेक
मेजबानों का अभिषेक किया जा रहा है भगवान के जल से। जाखड़ परिवार का अभिषेक किया गया है भगवान के जल से। आज की पूजा करी इमें कोई भूल रही चूक रही भी का जिम्मेदार कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण अस्तु परिपूर्ण है, अस्तु मुख्य चीज है बेटा। ये देखे आप लोग देखिए कितना सुंदर साफा पहनाए गए हैं भगवान सिंह जी को। अभिनंदन है उनके सुंदर कार्य का। आपके परिवार के द्वारा भव्य शिवालय का निर्माण करवाया गया है बाबा खंडाना जी के बगीचे में। सिद्धि पंचायत राधा कृष्ण राधा कृष्ण हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सर्वणी सांगता सिद्धि अर्थम पूर्ण फल प्राप्ति अर्थम हस्तरथम तंदुल शर्करा पूर्ण पात्रम अरविंद भाई जाओ जाखड़ परिवार को आशीर्वाद दिया जा रहा है पंडितों के द्वारा। पूजा का फल प्रदान किया जा रहा है। शंकर जाखड़ परिवार के परिजन सम्मान कर रहे हैं भगवान सिंह जी धर्मपत्नी का। देखिए संबंधी जन सम्मान कर रहे हैं अच्छे कार्य का। विजय जी के ससुराल वाले आप देख रहे हैं अपने संबंधियों का सम्मान करें पुनीत कार्य के लिए। और अब विजय जी को तिलक किया जा रहा है। निश्चित रूप से गौरव की बात है संबंधियों के लिए कि उनके संबंधियों ने इतना अच्छा कार्य किया है, मंदिर का निर्माण करवाया है। अरविंद जी का सम्मान हो रहा है। अपने दामाद जी का सम्मान कर रहे हैं विजय जी के ससुराल वाले। ये सनातन धर्म की सुंदर परंपराएं हैं। ससुराल वाले सम्मान करते हैं संबंधियों का और अपने दामाद और बेटी का। जब भी कोई मांगलिक कार्य या प्रेरणादायी कार्य होता है तो ये परंपराएं निभाई जाती हैं। बच्चों का भी सम्मान हो रहा है। अरविंद जी का सम्मान हो रहा है। द्वारागढ़ा के सभी लोग सम्मान कर रहे हैं जाखड़ परिवार का इस प्रेरणादायी कार्य के लिए। अरविंद जी और उनकी धरपत्नी का सम्मान किया गया है। श्री
भगवान राम जी, विजय कुमार जी, अरविंद जी, जाखड़ परिवार के द्वारा जो पुनीत धार्मिक कार्य किया गया उसका अभिनंदन हुआ है। उनके सारे परिजन उनका सम्मान कर रहे हैं और मैं तो कहूँगा सनातन धर्म का हर व्यक्ति सम्मान करे ऐसे परिवारों का जो मंदिरों का निर्माण करवाते हैं, क्योंकि हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया कि जो मंदिर का निर्माण करते हैं वो भगवान के तुल्य होते हैं और परिजनों को निश्चित रूप से गर्व है। इसलिए अब देखें संबंधियों के द्वारा आज उनका सम्मान किया गया है। देखिए ये है सम्मान का भाव परिजनों के प्रति। बेटे और पुत्र वधुएं चरणों में बैठी है माता पिता। धन्य है जाखड़ परिवार जिन्होंने इतना पुनीत इतना सुंदर कार्य किया। आज महाशिवरात्रि दिवस बाबा खंडानाथ जी की बगीचे में संतों की तपोस्थली पर शिवालय का निर्माण करवाया है और आप देख रहे हैं पुत्र पुत्र वधुएं पोते पोतियां सभी चरणों में बैठे हैं और जिनके दिल में ये श्रद्धा होती है माता पिता के प्रति वही अच्छा कार्य कर सकते हैं और ये अच्छा कार्य भगवान सिंह जी जाखड़ परिवार के द्वारा किया गया है। बेटे अमेरिका में रहते हैं, विदेश में रहकर भी देखिए संस्कार अपने जन्मस्थली पर इतना सुंदर शिवालय का निर्माण और महाशिवरात्रि के दिवस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, भगवान शिव की बड़ी कृपा है इस परिवार पर। देखिए शिवालय निर्माण के बाद आज महाशिवरात्रि के दिन सभी पूजा कर रहे हैं। शिवरात्रि की बिल्कुल आज ही प्रतिष्ठा हुई है भगवान की, तो सभी आप देख रहे हैं भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं। देखिए सभी बधाइयां दे रहे हैं, जाखड़ परिवार का अभिनंदन कर रहे हैं पुनीत कार्य के लिए। और निश्चित रूप से बहुत पुनीत कार्य जाखड़ परिवार के द्वारा किया है। भगवान सिंह जी और उनके पुत्रों ने अच्छा कार्य किया और शिवरात्रि के दिन आज शिवालय का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ है। सभी बाबा खंडानाथ जी की बगीची यानी एक तपोस्थली पर भगवान सिंह जी जाखड़ विजय जी अरविंद जी परिवार के द्वारा जो शिवालय का निर्माण करवाए गए हैं ये कार्य धर्म के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती की विवाह का पुनीत दिवस है और आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। निश्चित रूप से बहुत ही भव्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रकाशदास जी महाराज की भजन संध्या का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और उसके बाद में 2 तारीख से ये लगातार अनुष्ठान चल रहा है और आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पार्वती जी उनका परिवार राधा कृष्ण और हनुमान जी महाराज विराजमान हुए हैं। पूरा जाखड़ परिवार आप देख रहे हैं, भगवान की कृपा से बड़ा परिवार है और परिवार का नाम अमर हो गया है इस शिवालय के निर्माण से। देखिए संतोष जी पुनिया जयपुर से पधारे हैं जाखड़ परिवार को बधाई देने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पुनीत कार्य के लिए। अरविंद जी और विजय जी को बधाइयाँ दे रहे हैं और उनके माता पिता का अभिनंदन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं शिवालय का निर्माण, पिताजी स्वर्गीय बंगरू राम जी जाखड़ और माताजी स्वर्गीय श्रीमती फुला देवी जी जाखड़ की स्मृति में भगवान सिंह जी जाखड़ जाट और श्रीमती तारा देवी जी जाखड़ के द्वारा करवाए गए हैं। उनके पुत्र विजय जी और अरविंद जी को भगवान ने ऐसी सुंदर प्रेरणा दी है। आज महाशिवरात्रि के दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बहुत ही सुंदर शिवालय है। ओम नमः शिवाय। आज सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि पर्व, जो वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है और हमारे आराध्य भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह का दिवस है, जो भव्य रूप से हर व्यक्ति जो कोई व्रत नहीं करता वो कहा जाता है वो भी इस महाशिवरात्रि का व्रत करता है। और महादेव वो भगवान है जो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। तो आज आप देख रहे हैं जाखड़ परिवार जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है, भगवान सिंह जी विजय जी अरविंद जी। और हमारे सनातन धर्म में कहा गया कि जो मंदिर का निर्माण करवाते हैं वो भगवान तुल्य हो जाते हैं, तो मैं कॉमेंट लेना चाहूँगा, हालांकि ये लोग बोलते कम है काम ज़्यादा करते हैं। और क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर खेलते थे वो बोलते नहीं थे, और जो अच्छा काम करते हैं वो बोलते कम हैं। लेकिन फिर भी मैं पहला कमेंट छोटे बेटे हैं अरविंद जी उनसे लेना चाहूँगा। अरविंद जी बहुत बहुत बधाई, सबसे पहले महाशिवरात्रि की बधाइयाँ, बड़ा दिव्य पुनीत कार्य हुआ है, कितनी प्रसन्नता है मन में।
हम बता नहीं सके कितनी प्रसन्नता है। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन अपने मूर्ति स्थापना हुई है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और हम हमारी जमीन से हमेशा कनेक्ट रहेंगे, चाहे यहाँ हो या विदेश में हो। तो इसके लिए सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं और बहुत ही पसंद है। 22 तारीख को भगवान राम का मंदिर का 5 स्टार समारोह अयोध्या में हुआ और आपने अमेरिका में भी उस कार्यक्रम का आयोजन किया। हमने हमारे भाई के रेस्टोरेंट पे पूरा राम मंदिर का प्रोग्राम वहाँ पे रखा, सारी जनता को बुलाया, सबको भोजालय की तरह से खाना खिलाया और बड़ा अच्छा लगा। तो आपने देखा था वीडियो और वहाँ की सारी जनता ने बड़े अच्छे से इंजॉय किया और ऐसा लगा कि हम भी छोटा सा राम मंदिर के पार्ट हो पाए, ऐसा भविष्य में मौका कभी नहीं मिलेगा। विजय जी, कितनी प्रसन्नता है, जो सपना आपने देखा था कि माताजी पिताजी की इच्छा थी, उनके सपने में ये था कि भगवान का निर्माण, मंदिर का निर्माण हो और आज शिवरात्रि के दिन राम प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, लेकिन ये भी अच्छा है कि आज प्राण प्रतिष्ठा शिवरात्रि के दिन हुई है, इससे अच्छा होगा और इससे अच्छा क्या हो सकता है। विजय जी बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। और मैंने पहले उदाहरण भी दिया कि सचिन तेंदुलकर कभी कैमरे के सामने बोलते नहीं थे, वो अपने बल्ले से बोलते थे, ये अपने काम से बोलते हैं। और मैं एक कमेंट भगवान सिंह जी लेना चाहूंगा, कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया है कि अगर पुत्र योग्य हो तो माता पिता का गौरव बढ़ा देते हैं, आपका नाम अमर हो गया है, कितनी खुशी है आज के दिन। बहुत खुशी है, हमारा जो भी प्रोजेक्ट था वो बहुत अच्छा टाइम से पहले भगवान ने पूरा किया है और हमने जो सोचा था उसे बहुत 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 अच्छा हुआ है, भगवान करे ऐसी इच्छाएं हमारी पूरी करता रहे। दो शब्द आपके भी लेना चाहूंगा मैं। सभी लोग आपकी पूरी इच्छा से बढ़िया काम करे है, सभी चेदार है जकाई क्यों भगवान के, भगवान देखे आंखें मिचाने बैठे, भगवान सबको देखते हैं, तो इच्छा से बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया कार्य हुए, सारे समाज मिल के काम किए हम। देखिए आपने बहुत बड़ी बात कही है कि भगवान देख रहे हैं, कोई कार्य देखे नहीं देखे। और आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, आपने देखा इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर का निर्माण हुआ था, स्वयं हनुमान जी महाराज वानर के रूप में मंदिर का निर्माण करवा रहे थे और कई ऐसी घटनाएं हुई जब हनुमान जी वानर के रूप में आकर सबकी रक्षा कर रहे थे। तो आपके भाव बड़े पवित्र हैं और भगवान शिव आशुतोष है, बहुत जल्दी एक लोटा जल का चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपने तो इतने भव्य शिवालय का निर्माण करवाया है, भाग्यशाली है जाकड़ परिवार। और आज महाशिवरात्रि हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा दिन है और ऐसे में इतने सुंदर का निर्माण यहाँ पर और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भगवान शिव नर्मदेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पर विराजमान हुए हैं, निश्चित रूप से हम भी ऐसे इनकी तरफ से, हमारे लाखों जो दर्शक हैं उनकी तरफ से जाकड़ परिवार का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं यूं ही अमेरिका में इनका काम कारोबार खूब चले और अपने जन्म स्थान सुजानगढ़ में इस तरह के सुंदर कार्य करते रहें। और हमारे जितने भी भाई बंधु कमल जी, जितने जाकर परिवार के हमारे कजन सब मिलके काम किए हैं, चेजारे मिस्त्री सबको हम दोनों भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बगैर भी नहीं होता, जिन लोगों ने काम किया इनका सबका भगवान के प्रति इतना बहुत अच्छा सहयोग रहा है। देखिये रामचरितमानस में एक पंक्ति है, जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। जिस परिवार में सुमति होती है, प्रेम होता है, वहाँ पर अच्छे कार्य होते हैं। आप अमेरिका में रहते हैं लेकिन परिवार जनों के द्वारा, कमल जी उनके भाइयों के द्वारा ये पूरा, यहाँ क्योंकि बहुत व्यस्तता रहती है, आप जानते हैं अमेरिका जैसा दुनिया की एक बड़ी ताकत है, वहाँ पर एक कारोबार स्थापित करना, रेस्टोरेंट करना और वहाँ पर भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले। 22 जनवरी के दिन जब पूरी दुनिया में अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया जा रहा था, आपने एशियन के माध्यम से वीडियो देखा था, आपने भी अपने रेस्टोरेंट में बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो ऐसे परिवार के लिए भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, यूं ही फले फूले और यही पुनीत कार्य जन्मस्थली सुजानगढ़ पर करते रहें।